आपने से अपनी अना का मसला बना के बैठ लिया। एक नेकी कमा ले जिंदगी में, पैसे चाहिए थोड़े से पिकनिक के लिए, आप मान जाए ना। नहीं नहीं बस बात सुनिए, बच्चों को क्यों तंग कर रहे हैं, दे देना पैसे। दादा प्लीज अपना दे देना। अस्सलाम वालेकुम। आप भी बैठ गए जी। शुक्रिया, बहुत दिनों से सना और हिना आने की जिद कर रही। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा किया आप लोग आ गए। माशाल्लाह, ये बर्तन में क्या लाई हैं आप? आपके लिए गर्मा गर्म बिरयानी हिना सर अपने हाथों से बना के लाई है। भाई वाह, सुभान अल्लाह। दोनों विकी, आप दोनों क्या हाल है? भाई लगता है बदहाल है। अपने सुनो, ये बिरयानी लो जी। जाके बागरची खाने में रखो। खतीजा बेटी जी। जी राजा, अपनी दोस्तों को अपने कमरे में लेकर जाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ चलो। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे बेटे हैं आपके, बहुत शरीफ। अरे हम पे गए हैं भाई। पर्चा का पर्चा, पर्चा जल्दी निकाल। चल पीका। हाँ, यही वो एड्रेस है और यही वो घर है जहाँ भी लोग नए शिफ्ट हुए। अच्छा हाँ, चले चलो। हाँ। से देख के आराम से। आप लोगों से मिलके तबीयत फ्रेश हो गई, अदरवाइज तो हम लोगों को इतना टाइम ही नहीं मिलता ना। आज उसका इफ्तिताह और कल उसकी पार्टीज। जेरी भी बहुत ही बिजी रहते हैं, जाहिर है लाखों का कारोबार है, फिर टाइम भी तो उतना ही देना पड़ता है ना। जी 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 जी। ये आप बोलती बहुत कम है, बोला करे। चेरी भी यही कहते हैं, मैं बहुत ही लिटिल टॉकी हूँ। एक्चुअली मुझे शुरू से ही ना कम गो रहने की आदत है, बोलती नहीं, और जब से हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए ना, मैंने तो बोलने ही छोड़ दिए। वो अपना ये बताइए कि आपके मशागिल क्या हैं? मेरे मशागिल? जी जी। आज ये कैसे मशागिल? अरे हम तो रिटायर होने के बाद बस मसरूफ रहने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है, रिटायरमेंट के बाद ज्यादातर लोग सारा सारा दिन टेलीविजन ही देखते हैं। वैसे तो भाई साहब ये सारा दिन टीवी देखते हैं, जब टीवी शाम को ऑन होता है तो नहीं देखते। जी हाँ, कभी कभी हम रेडियो पर पुराने नगमे सुन लेते हैं, क्योंकि नए गाने हमारी समझ में नहीं आते भाई। अरे भाई, शायरी तो हमारे जमाने में हुआ करती थी भाई, आजकल के सिंगर दुनिया और काफिया से बिल्कुल बेखबर। काफिया एक होता है? जी हाँ, शायरी में सिर्फ काफिया होता है, माफिया सिर्फ ड्रग्स में होता है। जी आप ठीक फरमा रहे हैं। हमारे यहाँ तो दो कलर टीवी हैं, आपके यहाँ दो तीन तो होंगे? हाँ, हमारे घर में भी दो कलर टीवी हैं, एक हमारे कमरे में और एक बच्चों के कमरे में। हाँ, फिर तो केबल भी होगा ना? जी हाँ, केबल है, और जब से केबल लगा है ना, टीवी और रंगीन हो गया।
देख बासुन, उन दोनों का नाम है हेना और सना। जो सना है ना उसने ऑरेंज कलर का ड्रेस पहना और जो हेना उसने ब्लैक कलर का ड्रेस पहना हुआ। याद रखना, गलती नहीं करना। क्या मतलब, मैं कोई बेमानी करता हूँ? तेरा कुछ नहीं पता। अच्छा खैर, इन चीजों को छोड़। हाँ। पहले ये बताओ कि खतीजा के कमरे में पहुंचा कैसे जाए? दादा की पोजीशन देखनी पड़ेगी। दादा की पोजीशन मैंने देखी है, उनकी पोजीशन काफी बैकवर्ड है। स्टूपिड, आई मीन टू से कि दादा की नजरें किस तरफ है, ये बात कर रहा हूं मैं। उनकी नजरें सोईडी आंटी पर। हमें करना ये है कि किसी तरीके से दादा से नजरें बचा के खदीजा के कमरे तक पहुंचना है। चलो कोशिश कर लेते, जस्ट गिव इट अ ट्राई। ओके आ जा। और सुनाए, क्या करती हैं आप लोग? ग्रेजुएशन के बाद बस हम लोग सिर्फ घर के काम करते हैं। और इसी तरह से हमने तो काफी साइड डिशेस बनाना भी सीख ली हैं। दैट्स ग्रेट। वैसे बिरयानी का आपने खामखा से तकल्लुफ किया। अरे नहीं नहीं, इसमें तकल्लुफ की क्या बात है भाई, पड़ोसी होने के नाते ये तो हमारा फर्ज हुआ ना। बल्कि अब हम जब भी कोई नई डिश बनाएंगे आपके यहाँ जरूर भिजवाएंगे। हाँ। थैंक यू वेरी मच। अब मैं भी जब भी कोई डिश बनाऊंगी आपके घर जरूर भेजूंगी। और हम जरूर आया करेंगे। बाय द वे, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? ये कोई पूछने की बात है? अरे भाई, मेहमान आए तो हमने सोचा उनसे मुलाकात हो जाएगी इस बहाने। बाय द वे, I am Tony. और मैं विकी। हेलो। बड़ी खुशी भी आप लोगों से मिलकर। मेरा नाम सना और ये हिना। हमें मालूम है। जी? जी कुछ नहीं। अनवेद। लकार। ऐसा कि हम फिर आपसे मिलेंगे बाद में, तफसील से मुलाकात होगी। जाइएगा नहीं? हाँ, थैंक यू। आपके ग्रैंडसन्स ने कहाँ तक एजुकेशन हासिल की? बस ग्रेजुएशन तकरीबन कर ही लिया है। हाँ हाँ, उन्हें कंप्यूटर भी काफी आता है, रोजाना नेट प्रैक्टिस करते हैं। जी, यानी कंप्यूटर पर नेट प्रैक्टिस? नहीं नहीं नहीं, असल में ये इंटरनेट को नेट प्रैक्टिस कह रही है। कोई बात नहीं, जो भी हो नेट हो, जेरी नेट पे यकीन रखते हैं। अच्छी बात है, हम लोग चलते हैं। अरे भाई साहब, खाना है। हाँ हाँ, उनको मालूम है, खाना वही तो लाई है। क्या हो गया जाने आलम, हमारी भी तो पक्का है। कोई बात नहीं, अब तो आना जाना खाना पीना लगा ही रहेगा, फिर कभी खा लेंगे। नहीं भाई साहब, हम अपने मेहमानों को बगैर खाना खाए नहीं जाने देते। नहीं भाई, नहीं नहीं, हमारे यहाँ से कोई भी बगैर खाए नहीं जाता है भाई। ओ, आप लोग इतनी जिद कर रहे हैं तो चले हम लोग भी खाना खाएं। नहीं नहीं, ऐसी कोई जबरदस्ती भी नहीं है। आप क्या, तो खाना बना हुआ होगा, आप तो घर भी जाके खा सकते हैं। जाने आलम। हाँ चलो ठीक है। खदीजा बेटी, खाना लगा दो। जल्दी करना यार, खाना दो, जल्दी करो। जगह छान मारी है, कुछ भी नहीं मिला, ना पैसे है ना जेवर है। ये लोग बहुत चलाक हैं, घर में कुछ नहीं रखते। लेकिन तू है ना, हट आराम हो गया, कोशिश करना चाहिए। मेरा ख्याल है पीछे कुछ कमरे हैं, चलो वहां चल के देखते हैं। चलो आ जाओ। वे हमारे सबके कुछ ना कुछ काम है भाई। खदीजा और गुलशन खाना बनाती है और लगाती है, और ये दोनों लड़के बाज खाते हैं। हाँ भाई, बहुत होनहार बच्चे हैं आपके। और होशियार भी। हाँ। वो वैसे आपने इनके पेरेंट्स का जिक्र नहीं किया। जी हाँ, बस उनका तो अब जिक्र ही रह गया है। जी, क्या मतलब? मतलब ये कि वो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है। बेटे और बहू के एक्सीडेंट में इंतकाल के बाद इन बच्चों की परवरिश मैं कर रहा हूँ।
ओह, बड़ा अफसोस हुआ सुनकर। आई एम रियली वेरी सॉरी। अब हम चलते हैं। अच्छा, अब हमें जानते हैं, फिर चक्कर लगाएंगे। वाकई अगर आपको जाना है तो हीना सना, हीना सना, बातों में लगी भी होंगी। आओ बेटा, आओ यहाँ। चलिए बेटा, घर चलते हैं। आप लोग इतनी जल्दी जा रहे हैं, करिए। अपने बेटा तो घर देख लिया, आते जाते रहेंगे। भाई आप लोग भी तो कभी घर आइए ना। हाँ हाँ, जरूर जरूर। अच्छा चले, फिर आपको छोड़ के आते हैं, सी ऑफ करके आते हैं। अच्छा सुनियो तनवीर जी, आ जाना वापस। हम खा की जहमत कर रहा हूँ, बाहर आओ, चलिए आइए। भाई मैंने तो फाइनल कर दिया, समझ लो बस। मैं नहीं कर दिया फाइनल। बच्चियां देखी कितनी प्यारी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। आज नहीं छोड़ूंगा, देख लूंगा मैं। अरे जिस तरह ये लड़कियां देख रहे थे ना, घूर घूर के, लो बताओ घर के गेट तक छोड़ने गए हैं या चाइना गेट तक छोड़ने गए हैं? आप इस कदर खोल क्यों रहे हैं? आ जाएंगे, उनका घर दूर थोड़ी है। भाई देखे ना, मेहमान आए थे, उन्हें छोड़ने गए, पानी पीने रुके होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा घर के गेट तक छोड़ के आ जाते। अरे मेहमान आए थे, कोई झूठे तो नहीं आए थे जो घर तक छोड़ने चले गए उन्हें? अच्छा अच्छा अच्छा, आप आराम से तो बैठे। खदीजा, खदीजा जी, दादा जी, फोन मिला उनके घर पे और पूछो कहाँ गए हैं, कहाँ गए हैं जी। अभी मालूम हो जाता है। हेलो सना, मैं खदीजा बात कर रही हूँ। वो टोनी भाई और विकी तुम्हारी तरफ आए क्या? निकल गए? अच्छा, क्या तो टोनी भाई और विकी खैरियत से तो है ना? मेरी जरूरत तो नहीं है, मैं आ जाऊँ? क्या हुआ बेटी? खैरियत तो है। जेरी अंकल के हाथ चोर घुसाए थे। मेरे खुदा, बच के बाल बाल काट। क्या हुआ टोनी भाई? क्या हुआ? अरे ये पूछो क्या नहीं हुआ। अभी हम उन लोगों को गेट पे सी ऑफ करके अंदर वापस ही आ रहे थे कि क्या देखते हैं कि दो आदमी जेरी अंकल की दीवार फाड़ कर भाग रहे। बस फिर क्या था, हमने ना आओ देखा ना ताओ उनके पीछे भागे। फिर क्या हुआ बेटा? अरे होना क्या था दादी जान, बड़ी मुश्किलों से जान बचा कर भागे। आप लोग? हाँ तो और क्या। नहीं वो लोग, वही। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें ना दूध में फिटकरी डाल के देती हूँ, मगर नहीं, तुम मेरे साथ बर्च खाने में चलो, यहाँ नजर लगाने वाले बहुत हैं। चलो मेरे बच्चे, चलो 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 चलो, मेरे को लेके आओ। मेरे स्वीट दादाजान।